बाजी आप नहीं, समझा तो मैं नहीं था, जो आप लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। और अपनी बेटी को आप लोगों के सहारे छोड़कर चला गया था। बेटा हम समझे नहीं। माँ जी ये बात अपनी बहू से पूछिए ना। माँ जी मैं आप लोगों की बड़ी बड़ी बातों में आकर आप लोगों को दिल से भी बड़ा मान लिया था, लेकिन आज उन सब बातों ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। डबराल साहब आप तो मेरी बेटी के भविष्य को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने कितने दावे किए थे ना मेरी बेटी को लेकर। आपने कहा था कि आपको उसके संस्कारों से मोह है, लेकिन आज सब कुछ देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आपकी बातों का कोई मोल ही नहीं। अगर आपकी बेटी के साथ कोई गलत बर्ताव हुआ है तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं डबराल साहब नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शर्मिंदा तो मैं हूं शर्मिंदा जो मैंने आपकी बातों पर यकीन किया। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देंगे। अरे वाह डबराल साहब वाह, क्या वादा निभाया है आपने। चल बेटा चल यहां से। अरे बहुत सह लिया तूने यहां पर, इन अमीरों से तो हम गरीब बच्चे हैं। और बेटा इस रिश्ते को जोड़कर तू यहां पर आई थी, अब तो वो भी नहीं रहा, अब यहां रहकर क्या करेगी। अच्छा बेटा चल मेरे साथ। प्रोफेसर साहब आप स्वाति के पिता हैं, आपको पूरा पूरा हक है अपनी बच्ची के जीवन का फैसला लेने का। मुझे मालूम है हमसे गलती हुई है, लेकिन क्या आप हमें एक मौका नहीं देंगे अपनी गलती सुधारने का। दादी आप ये क्या कह रही है। पापा पापा समझने की कोशिश कीजिए, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बाजी आपको किसी को भी हमारे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपको पूरा हक है अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाने का, लेकिन हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करती हूं, ले जाने से पहले एक बार आप स्वाति से पूछकर तो देखिए क्या वो जाना चाहती है। माँ जी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैंने अपनी बेटी को जन्म से लेकर आज तक इसे बड़ा किया है, अपने संस्कारों से मैंने इसे सींचा है, अपने विचारों से इसे बड़ा किया है। मैं बिन बोले भी जानता हूं कि मेरी बेटी को क्या चाहिए। मैं तो इसे बस ले जाना चाहता हूं। चल बेटी। संजीवनी डाइवोर्स पेपर वापस लेना चाहती है या नहीं। नहीं
पापा आप ही कहते थे ना कि अपने परिवार की खुशी से बढ़कर एक बहू के लिए कुछ भी नहीं होता। उसका पहला और आखिरी कर्तव्य यही होता है कि वो अपने परिवार को जोड़ के रखे। और अब आप ही मुझे इन सब से दूर करके मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। हाँ पापा, आप ही बताइए ना, अगर अगर मम्मी जी की जगह अब मुझे मेरी अपनी माँ ने डांटा होता या मुझे घर से निकालने की बात की होती तो क्या मैं अपना घर छोड़ के चली जाती? और अपनी माँ से डांट खाने में कैसी बेइज्जती और अपने परिवार से कैसी नाराजगी? आप ही कहा करते हैं, जब मन से किसी को स्वीकार लो तो उस मन में उतनी जगह नहीं बचती कि मान अभिमान के लिए कोई जगह बचे। हाँ, मैं समीर के साथ यहां जरूर आई थी और अब वो नहीं रहे, लेकिन मेरे मन में उनकी और उनके परिवार के लिए उतनी ही जगह और हमेशा रहेगी। पापा, मैं जानती हूं कि एक बेटी के लिए उसके पिता के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते, लेकिन बेटी के घर ज्यादा देर रुकना पिता के लिए अच्छी बात नहीं होती। बेटा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने विचारों के सामने इतना बौना हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई। सारी खुशियां दुनिया भर की तुझे मिले, खुश रह बेटी। स्वाति बेटा, कभी कभी सौती भाभी के बारे में सोच के मैं हैरान हो जाता हूं। जितनी बड़ा दिल है उनका, उतनी बड़ी सोच है। पता, उन्होंने अपने पापा के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहती हैं अब सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेंगी। क्या हुआ क्रिस्टी, किस सोच में डूब गई? नहीं, बस मैं तुम्हारे स्वाति भाभी के बारे में ही सोच रही थी। अब श्लोक वहां बैठते हैं। वैसे वो है ही ऐसी, वो है ही ऐसी, जो देखता है उन पर सुनाता है। पता है उनके दिल में हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए इतना प्यार है, इतनी इज्जत है। I know, Shlok, she is a very strong woman. But क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता पाएगी? क्या मतलब? जरा सोचो श्लोक, स्वाति से ये उम्मीद रखना कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारे फैमिली के साथ निभा दे, क्या वो सही होगा? नहीं श्लोक, एक बार सोचो, आज उनके लाइफ में समीर भैया भी नहीं है, कैसे बिताएगी वो पूरी जिंदगी ऐसे अकेली? अकेली?
अकेली कहाँ है वो? हम सब हैं उनके साथ। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम लोग उनकी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दोगे, लेकिन क्या तुम लोग उनके लाइफ में एक जीवन साथी की कमी पूरी कर पाओगे? नहीं श्लोक, एक औरत के लिए जीवन साथी के बिना अकेले जीना क्या मुश्किल होता है वो सिर्फ एक औरत समझ सकती है। और इतनी बड़ी दुनिया में जीवन साथी के बिना अकेले जीना बहुत मुश्किल है श्लोक, और इसलिए मैं बोलती हूँ अपने खुशी के लिए नहीं सही, कम से कम स्वाति के खुशी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, प्लीज। सनम की इबादत करते करते हम काफिर बन बैठे, और अब वही पूछती है कि तेरी हस्ती क्या है, तो तू क्यों अपनी इस जिद पर अड़ी हुई हो? जिद? कैसे जिद? और नहीं तो क्या, ये झूठी शादी निभाने की जिद, वो भी तब जब तुम्हारा वो झूठा पति ही नहीं रहा। विकास, ये मेरे घर का मामला है और मुझे किसी गैर की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी मुझे तुम जैसे इंसान से सच और झूठ का मतलब समझने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने और समीर ने एक दूसरे को मन से अपना लिया था। हाँ, और ये बात सिर्फ मेरे और समीर के बीच नहीं बल्कि पूरे परिवार के बीच है, और मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने उस परिवार को और उस परिवार ने मुझे पूरे मान के साथ अपना लिया है। बातें तुम्हारी, यही जो बातें हैं ना, यही तो मुझे दीवाना बना देती। बकवास बंद करो। कब तक अपने ये झूठे आदर्श और संस्कारों की दुहाई देती रहोगी? स्वाति, एक दिन देखना तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, बिल्कुल तन्हा। पर हर इंसान को जीवन में एक साथी की जरूरत होती है, और तुम्हें भी। शट अप विकास। क्या बात है श्लोक, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं क्रिस्टी, एक्चुअली मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। ओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बैठी है और तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो? हाउ अनरोमांटिक श्लोक, तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। पता है क्रिस्टी, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरी जीवन साथी बनेगी। वो तो तुम हो ही जनाब, क्या करें। अच्छा क्रिस्टी, मैं अब चलता हूँ। दादी माँ ने समीर भैया की आत्मा की शांति के लिए घर में एक पाठ रखवाया है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। आई एम रियली फील सो प्राउड ऑफ यू श्लोक, यू बिकम सो रिस्पॉन्सिबल, आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ यू। आपके आगे हाथ छोड़ता हूं। तो मेरी पत्नी हो सकती है, और तुम्हारे साथ ये बिशपुर है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी अपनाओगे। मैं
किस सोच में डूबी है आप? कुछ नहीं श्लोक, बस यूं ही। समीर भैया की याद आ रही है ना? के बिछड़ जाने का गम शायद उतना बड़ा नहीं होता जितना कि उसकी यादों को अपने आप से दूर रखना। अच्छा समय बीत जाने के बाद हमें यादों के रूप में दुख देता, भाभी भैया की जगह हमारे जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, पर समय एक ऐसा मरहम है जो सारे घाव भर देता है। समय सारे घाव जरूर भर देता है, लेकिन किसी को खोने का गम जिंदगी भर नहीं भरता। जिसके साथ हमने वक्त गुजारा, जिसके साथ हम हंसे रोए, उसे बुला देना कैसे मुमकिन है बताओ श्लोक? कैसे मुमकिन? नहीं बुला सकते, बुला ही नहीं सकते। समीर भैया हमारे जिंदगी के इतने बड़े हिस्से थे, हम अपने जिंदगी के हिस्से को कैसे बुला सकते हैं बताइए? पर भाभी हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते हैं। मुश्किल जरूर है पर हम भैया के बिना जीना सीख जाएंगे। अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो है जिंदगी। हाँ श्लोक, समय के साथ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा समय तो वापस नहीं आएगा ना। मेरा समय तो वापस नहीं आएगा, समय तो वापस नहीं आएगा। हमारी दिल्ली की टीम का कॉल आया है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो घड़ी हमको मिली है उस घड़ी को क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया है। वेरी गुड गाले, ये तो कमाल का सबूत हाथ लगा है। अच्छा गाले, तब तो ये भी पता लग गया होगा कि वो घड़ी किसने खरीदी थी। जी हाँ सर। कौन है वो? सर उसका नाम है विक्की बजाज। विक्की बजाज,